दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्वेज नहर की, जिसमें पिछले हफ्ते एक जहाज फंस गया था जिसे अब निकाल लिया गया है। उसके फंस जाने से हर घंटे 2900 करोड़ का नुकसान हो रहा था। इस नहर के बंद हो जाने से वैश्विक व्यापार को बड़ा झटका लगने की आशंका थी। लेद एजेंसी ने बताया कि फंसे हुए जहाज को निकालने के लिए 10 टैग बोट की मदद ली गई है। आइए जानते हैं कि स्वेज नहर क्या है, इसका इतिहास क्या है और वो जहाज कैसे फंसा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार एंड स्वागत है आपका न्यू ऑन फैक्ट की दुनिया में। दोस्तों एक एवरग्रीन नामक जहाज चीन से माल लादने के बाद नेदरलैंड के पोर्ट रोटरडम जा रहा था। यहाँ से गुजरने के दौरान तेज और धूल भरी हवा से जहाज नहर में ही फंस गया, जहाँ भीषण जाम लग गया। यह एक विशालकाय जहाज था। 400 मीटर लंबे इस जहाज में 2,00,000 टन से भी ज्यादा का माल लदा था। 23 मार्च 2021 की सुबह में बहुत तेज हवा चलने की वजह से इस जहाज के कैप्टन ने कंट्रोल खो दिया, जिसकी वजह से यह जहाज यहां फंस गया। इस जहाज को 2018 में बनाया गया था, जिसे एवरग्रीन मरीन नामक कंपनी संचालित करती है। जहाज के चालक दल में 25 भारतीय भी शामिल थे। इस जहाज के फंसने से नहर में यातायात पूरी तरह बंद हो गया था। रोजाना अरबों रुपए का नुकसान हो रहा था। नहर के दोनों छोर पर करीब 150 जहाज फंस गए थे। इस नहर से रोजाना तकरीबन 50 से भी अधिक जहाज गुजरते हैं। कंपनी ने बताया कि सोमवार शाम पोत को पानी की सतह पर लाने में कामयाबी मिल गई है। कुछ टैगबोट्स ने मिलकर जहाज को ग्रेट मिटलर झील की तरफ खींच लिया है, जहां इसका निरीक्षण किया जाएगा। दोस्तों बड़े बड़े जहाजों को धक्का देने वाली शक्तिशाली बोटों को टैगबोट्स कहते हैं। इस काम में करीब 10 टैगबोट्स का यूज किया गया है। एशिया और यूरोप के बीच माल लेकर जाने वाले पनामा के ध्वज वाला द एवरग्रीन जहाज स्वेज नहर में फंस गया था, जिसे यातायात बाधित हो गया। यह जलमार्ग वैश्विक परिवहन के लिए बेहद अहम है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 19,000 पोत इस नहर से होकर गुजरे थे। इस नहर से दुनिया का करीब 10% व्यापार होता है। यह जलमार्ग तेल के परिवहन के लिए अहम है, इसलिए महत्वपूर्ण है स्वेज नहर। स्वेज नहर दुनिया के सबसे व्यस्तम समुद्री मार्गों में से एक है। पूरी दुनिया में होने वाले समुद्री कारोबार का 12% आवागमन इसी नहर से होता है। नहर बनने के बाद एशिया और यूरोप के बीच की दूरी 6,000 किलोमीटर कम हो गई। सफर में 7 दिनों की कमी आई। रोजाना यहां से लगभग 50 जहाज गुजरते हैं, जिन पर $10 बिलियन यानी करीब 73,000 करोड़ रुपए तक का सामान लदा होता है। भारत का ज्यादातर कारोबार स्वेज नहर के रास्ते होता है। अगर कुछ दिनों और ये जहाज फंसा रहता तो हर चीजों के रेट बढ़ जाते। स्वेज नहर को समझने के लिए इसके इतिहास को समझना जरूरी है। स्वेज नहर के बारे में सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने सोचा था। 1798 में मिस्र पर हमले के बाद नेपोलियन ने भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली एक नहर का सपना देखा था। इस काम के लिए उसने एक सर्वेयर की एक टीम भेजी थी, लेकिन उनकी गलत कैलकुलेशन की वजह से नेपोलियन ने इस पर काम नहीं किया। दशकों बाद 1854 में फ्रांस के राजनयिक फर्डिनांड डी लेस्प ने स्वेज नहर को बनाने की योजना पर काम करना शुरू किया। लेस्प ने फ्रांस सरकार से इसके लिए वित्तीय मदद ली और मिस्र में ओटोमन साम्राज्य के विसराय से इजाजत ली। साल 1858 में एक कंपनी की स्थापना की गई, जिसका नाम यूनिवर्सल स्वेज शिप कनाल कंपनी था। इस कंपनी को 99 साल के लिए नहर का निर्माण और संचालन का काम सौंपा गया। यह नहर 1859 में बनकर तैयार हुई और इसे अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए खोल दिया गया। 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। स्वेज नहर कंपनी में ज्यादातर शेयर ब्रिटिश और फ्रांस सरकार के थे। नासिर के इस कदम से दोनों देशों में हड़कंप मच गया। ब्रिटेन, फ्रांस और इसराइल ने मिस्र पर हमला कर दिया। हालांकि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की वजह से ब्रिटेन और फ्रांस को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। इसके बाद से इस नहर पर मिस्र का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले स्वेज नहर बंद नहीं हुई है, इससे पहले भी बंद रही है स्वेज नहर। आइए जानते हैं कब कब बंद रही है स्वेज नहर। 26 जुलाई 1956 को पहली बार इस नहर को बंद किया गया था। नहर के राष्ट्रीयकरण की घोषणा के बाद उपजे विवाद के कारण यह फैसला लिया गया था। जून 1967 में इसराइल का मिस्र, सीरिया और जॉर्डन से युद्ध छिड़ गया था। 6 दिन चले इस युद्ध के दौरान 15 जहाज स्वेज नहर के रास्ते में फंस गए थे। इनमें से एक जहाज डूब गया था और बाकी 14 अगले 8 साल तक कैद होकर रह गए। इसके कारण इस नहर से व्यापार 8 साल तक बंद रहा था। साल 2004, 2006, 2017 में जहाजों के फंसने के कारण यातायात कुछ दिनों के लिए बाधित हुआ था। दोस्तों
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू गाइस।